वंस अगेन गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सौरभ रॉक चैनल में। सो मिलिए बुलेट से, बुलेट जो कि सेन बनार्ड है और अभी ये पपी है। जी हाँ, आपने सही सुना, अभी ये बच्चा है और अभी फुल्ली मैच्योर नहीं है, बट ये 3 से 4 महीने 5 महीने बाद मेटिंग के लिए मैच्योर हो जाएंगे। 10 मंथ, 10 महीने का पपी है अभी, और अभी ये ग्रोइंग एज में है और 18 मंथ्स तक यानी कि 18 महीने तक सेन बनार्ड की हाइट, लेंथ, पर्सनालिटी, बॉडी ये सब बढ़ती रहती है। और आप समझ सकते हैं कि अगर मैं खुद इसके ऊपर बैठ जाऊं या खुद इसके ऊपर सो भी जाऊं ना, तब भी इसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इतना जाइंट है। बुलेट चलो घूमे चले, बुलेट कम चलो आ जाओ। कितने आलसी हो भाई, कितने आलसी हो, कितने ज्यादा आलसी हो। चलो चुप चुप, आइए अंदर आइए 2 मिनट के लिए। ये देखो तुम्हारा दोस्त आया, छोड़ दीजिए, ये देखो तुम्हारा दोस्त आया। तो एक साइबेरियन हस्की का पपी है जो कि 2 से 2.5 महीने का। आप देख सकते हैं कि इसके सामने वो कितना ज्यादा छोटू सा लग रहा है। यूजुअली सेन बनार्ड जो ब्रीड है दोस्तों, ये बर्फीले देश की ब्रीड है और 4 कैटेगरी में डॉग्स को विभाजित किया गया है। स्मॉल ब्रीड, टॉय ब्रीड, मीडियम ब्रीड, लार्ज ब्रीड एंड जाइंट ब्रीड। सो सेन बनार्ड जो है कि वो जाइंट स्पीसीज में आते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अभी ये पूरे बड़े नहीं है, और बड़े होंगे तो ये कितने बड़े होंगे, इट विल लुक लाइक दिस विद इन 3 to 4 and 5 months। और क्योंकि इनके बाल बहुत बड़े होते हैं तो ये दोनों ब्रीड बेसिकली साइबेरियन हस्की और सेन बनार्ड आप तभी रखें जब आप इनका प्रॉपर एयर कंडीशन मेंटेन कर पाए। आप प्रॉपर एसी रख सकते हैं और 24/7 एसी मेंटेन कर सकते हैं इस गर्मी के मौसम में। मतलब अभी भी इसके लिए तो गर्मी आ गई, हमारे आपके लिए शायद अभी एक हाफ स्वेटर या एक पतले कोट की जरूरत है, बट इनके लिए गर्मी आ चुकी है। आप इसकी दुम देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और जैसे इसका नाम है वैसे इसकी पर्सनैलिटी है, बुलेट। तो चला इधर, और मुझे भी ये टॉमी टाइगर, लूसी, शीटो ये सब पसंद नहीं आता। जैसे मेरे डॉग्स के नाम है आप सबको पता है, गब्बर, बघीरा, सुल्तान है ना, पैंथर, रॉयल, तो मुझे भी ऐसे ही नाम पसंद आते हैं। सो आई हैड अ बुलेट और बुलेट वॉज अ जर्मन शेफर्ड, बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेफर्ड था, अब नहीं रहा, वो 2016 में पास ऑन कर गया। तो ये पिक्चर है बुलेट की, कैमरे में अगर आप देख पाए, अपने आप में अल्टीमेट था। उसकी भी पर्सनैलिटी इससे कुछ कम नहीं थी, तो बुलेट से बुलेट हमें याद आ गए। बहरहाल तो यूजुअली और सिर्फ डॉग को रख लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है कि आपने कोई 30-35-40 हज़ार या 1 लाख का भी डॉग ले लिया। क्या आप उस डॉग को एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा सर्वाइवल दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप किसी ऐसी ब्रीड का डॉग रखते हैं तो आप सबसे पहले तैयार हो जाइए अपने घर पे थोड़ा बहुत बालों के साफ सफाई के लिए, अपने कपड़ों की थोड़ी बहुत साफ सफाई के लिए। और इसमें कोई हर्ज नहीं, लोगों को लगता है कि बहुत बाल गिरेंगे, पूरा घर बाल बाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वी हैव लिंट रोलर, एक लिंट रोलर आता है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, हाथ में लेना है, उसमें गम होता है, समझ लीजिए कि एक टॉयलेट रोल के बीच में एक स्टिक लगी हुई है और वो पूरा टॉयलेट रोल गम से रिलेटेड है, गम होता है। आप बस उसमें ऐसे रोल करेंगे अपने कपड़ों पे, उस गम में सारे बाल चिपक जाते हैं, उतना हिस्सा फाड़ के फेंक दीजिए। क्लीनिंग बहुत ही ज्यादा इजी है आज के आधुनिक युग में, साफ सफाई और केयरिंग बहुत आसान है अगर आपके पास नॉलेज है। नॉलेज के लिए हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहिए, हम हर चीज आपको बताते रहते हैं, ये पर्सनालिटी, ये हाइट, ये लेंथ, ये ग्रोथ, ये खूबसूरती। तो सबसे पहले तो इनके फादर और मदर के ऊपर जाता है कि स्पीसीज बहुत अच्छी है, ब्रीड बहुत अच्छी है, ब्लड लाइन बहुत अच्छी है। दूसरा, इस पपी को हटा दीजिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि
जहाँ पे ये है, इनका खाना पीना, इनकी केयरिंग, टाइम टू टाइम डीवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें लगातार सही ढंग से हो रही, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डॉग की पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने में। तो डॉग हमेशा रिप्रेजेंट करता है अपने ओनर को, डॉग हमेशा रिप्रेजेंट करता है अपने फैमिली मेंबर्स को। तो आप इनको देख के बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके ओनर का, इनके फैमिली का, या जिस फैमिली ने इन्हें अडॉप्ट किया है, उनका रहन सहन या उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा। सो ये बहुत ही नॉमिनल माइनर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग नहीं ध्यान दे पाते। उनको बस कोई भी डॉग दिखा, अब बुलेट ही बाहर निकलते हैं तो तमाम लोग इनकी सेल्फी लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, एक बार छू लिया लाखों शायद लाइक्स भी आ जाते होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि ये है वो चीज़, ठीक है। और यूजुअली वाराणसी जैसे शहर में इतनी अच्छी कंडीशन में, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ इस डॉग को रखना अपने आप में काबिल तारीफ है, और ये हमारा फ्यूचर का स्टड है। आप में से जो भी लोग अपनी अपनी फीमेल्स को, सेंट बर्नार्ड फीमेल को बुलेट से मेटिंग कराना चाहते हैं, हम इन गर्मियों में तो मेटिंग नहीं देंगे, अभी मार्च अप्रैल मई जून इनकी भी हालत ख़राब होगी और आपके फीमेल की भी हालत ख़राब होगी। और वैसे आज बुलेट अपने मुंडन पे आए हैं, अभी हमारे ग्रूमर आ रहे हैं और इनकी ट्रिमिंग की जाएगी, क्योंकि बाल बहुत 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 ज़्यादा बड़े हो गए हैं इनके, तो इनका पूरा प्रॉपर ट्रिम करके अभी से हम शॉर्ट हेयर कर देंगे। इसलिए कर देंगे कि आने वाले जो मंथ है, मार्च अप्रैल और मई, ये तीन मंथ, हाँ बेटा तुम्हारी बात हो रही है, मैं तुम्हारी बात हुई, तुम बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, सो जाओ छो जाओ, इन तीन महीनों में ये अच्छे से रहें, बालों की वजह से एक्स्ट्रा गर्मी ना हो, तो ये केयरिंग का ही एक पार्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जाती करते हैं, इन डॉग्स को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ, बॉस खुश खुश, ठीक है। और इस मौसम में इनकी ड्रूलिंग बहुत ही साधारण बात है। अगर आपका डॉग, चाहे फ्रेंच मैस्टिफ, सेंट बर्नार्ड, साइबेरियन हस्की, ग्रेट डेन, इस जैसी जाइंट ब्रीड या लार्ज ब्रीड है जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है और इंडियन क्लाइमेट में खुद को ढाल रही है, तो उनकी ड्रूलिंग होना नॉर्मल है। कई बार मुझे कॉल आता है कि भैया मेरा डॉग बहुत ड्रूल कर रहा है, कोई दवाई बताइए ना। डॉक्टर साहब मेरा डॉग बहुत ड्रूल कर रहा है, कोई दवाई बताइए ना। तो ड्रूलिंग की कोई मेडिसिन नहीं आती। हर डॉग हाफ करके अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इनके लार का बहना, इनका ड्रूलिंग करना इनके तापमान नियंत्रण का एक कारक और एक कारण है, ठीक है। तो हम ऐसे ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि बुलेट से मिलकर कैसा लगा। आप देखिए मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और बुलेट मेरे पैरलर आ रहा है, अभी जब ये अभी अपने पपी वाले जोन में, मतलब 9 मंथ कंप्लीट होके ये 10वें में लगे हैं और अभी इनके हाइट पर्सनैलिटी है। मैं इनको खड़ा करके आपको दिखा, खैर अब मेरे अंदर इतनी शक्ति तो है नहीं कि हम इनको उठा पाए, तो जाने ही देते हैं, आप ऐसे ही देख लीजिए। उठोगे तो गाइज बहुत मजा आया वीडियो में। तो हमारे पास सेंट बर्नार्ड, साइबेरियन हस्की, केन कॉर्सो, डॉग अर्जेंटिनो, बीगल, शिह त्ज़ू, चिहुआवा, पग, पोमेरन, अलास्कन मैलामूट, अफगान हाउंड से लेकर ग्रे हाउंड तक, शिह त्ज़ू, यॉर्कशायर टेरियर, ल्हासा एब्सो, टॉय पॉम, कल्चर पॉम से लेकर तोसा इनू, जैपनीज मैस्टिफ, साइबेरियन हस्की, अलास्कन मैलामूट जैसे एग्जॉटिक ब्रीड्स आपको मिल जाती है। बहुत हुआ लैब्रा जर्मन रॉट, आइए कुछ नया करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे पहली बार भी अगर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन रात के 9 बजे आपको ऐसी एक नई वीडियोस मिलेगी। और अगर आप पहले से हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लाइक करके ज़रूर अपना सपोर्ट प्रदर्शित करें और कमेंट करके बताइए कि बुलेट कैसा लगा और आप किन किन टॉपिक्स पे और वीडियोस देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम ज़रूर बुलेट के डाइट पे एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बुलेट कब उठते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये अपने घर में कैसे रहते हो, और छोटी छोटी क्लिपिंग्स हम इसी वीडियो में ऐड करने वाले हैं। तो वीडियो अगर भगा भगा के देख रहे हैं तो वापस जाइए, पीछे से शुरू से देखिए, और पूरी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका सौरभ आपके साथ।